चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 27 मार्च से 29 अप्रैल तक होगा मतदान। 2 मई को सभी राज्यों में एक साथ होगी वोटों की गिनती। सभी 5 राज्यों में आचार संहिता लागू। त्योहार और परीक्षा के दिन नहीं होगा मतदान। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होगा चुनाव। पहला चरण 27 मार्च, दूसरा चरण 1 अप्रैल को होगा, जबकि तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को होगी वोटिंग। बंगाल में चौथा चरण 10 अप्रैल को और पांचवें चरण के लिए 17 अप्रैल को होगी वोटिंग, जबकि 22 अप्रैल को छठा और 26 अप्रैल को सातवां और 29 अप्रैल को 8वें चरण का होगा मतदान। असम में 3 चरणों में होगा मतदान। पहला चरण 27 मार्च को, दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को होगा मतदान, जबकि 6 अप्रैल को तीसरे चरण के लिए होगी वोटिंग। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1 चरण में होगा मतदान। तीनों राज्यों में 6 अप्रैल को होगी वोटिंग। कोरोना के मद्देनजर सभी राज्यों में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई। चुनाव में तैनात सभी अधिकारियों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। चुनाव आयोग ने वोटिंग की टाइमलाइन बढ़ाया। मतदान अब 1 घंटे ज्यादा देर तक कर सकते हैं वोट। चुनाव आयोग ने रोड शो में 5 गाड़ियों में शामिल होने की इजाजत दी। डोर टू डोर कैंपेन में 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते शामिल। मतदान के दौरान सभी संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ की होगी तैनाती। सीसीटीवी में कैद होगा पूरा मतदान। पश्चिम बंगाल पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर। चुनाव आयोग ने अजय नाइक के अलावा 2 और लोगों को बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी ने जताया एतराज। बीजेपी की सहूलियत के हिसाब से तारीख तय करने का लगाया आरोप। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ममता बनर्जी ने प्रतिदिन कमाने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई। सेमी स्किल्ड मजदूरों को दिहाड़ी 172 से 330 रुपए किया। पश्चिम बंगाल के बालूर घाट में ममता बनर्जी पर गरजे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा, बंगाल से ममता दीदी को जाना ही होगा। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की बाइक रैली। रैली के दौरान खुद चलाई बाइक। बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। ममता से पूछे गए तीखे सवाल, कहा 8 फेज में चुनाव से क्यों डर रही है ममता। बंगाल में पीरजादा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान। गठबंधन में पीरजादा की पार्टी को 30 सीटें मिली। अब कांग्रेस, पीरजादा और लेफ्ट मिलकर लड़ेंगे चुनाव। तमिलनाडु के एमजीआर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, कोरोना काल में भारत ने दुनिया की मदद की। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट के बाद अब भारत पर है दुनिया की नजरें। भारत के युवाओं से दुनिया को बहुत उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के रियासी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के अड्डे को किया ध्वस्त। AK-47, 1 आरपीएफ लॉन्चर, 16 यूबीजीएल ग्रेनेड और 4 चाइनीज ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पुलिस ने आतंकियों के ठिकाने को किया ध्वस्त। मौके से 4 ग्रेनेड और गोला बारूद जब्त। गुजरात के सूरत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। सूरत नगर निगम चुनाव में 27 सीटें जीतने के बाद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। हिमाचल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा। विधानसभा के बाहर राज्यपाल के काफिले को रोकने के लिए भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के विधायक। केरल के तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। कईयों को हिरासत में लिया। बीजेपी में शामिल हुए मेट्रोमैन ई श्रीधरदन, केरल के मल्लापुरम में श्रीधरन ने जामा बीजेपी का दामन। असम की युवा महिला धावक हिमंत दास बनी DSP। असम के सीएम सर्वानंद सोनकल ने हिमा दास को वर्दी पर स्टार लगाकर बनाया DSP। पंजाब के सिंध प्रांत में विधानसभा में भिड़े PTI और PPP के विधायक। दोनों तरफ से जमकर हुई धक्का मुक्की। राकेश टिकैत के खिलाफ किसानों के नेता BKU मान ने खोला मोर्चा। अध्यक्ष गणी प्रसाद ने टिकैत को किसान विरोधी बताया। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से स्थानीय लोगों को कारोबार हुआ ठप। कलागांव के लोगों ने किसानों के बॉर्डर से खाली कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शनिवार को RLD ने किसान महापंचायत बुलाया। RLD नेता जयंत चौधरी भी होंगे शामिल। मुंबई के विरार स्टेशन के एक शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की। RPF ने बचाई शख्स की जान।
महाराष्ट्र के वर्धा में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार तक सुबह लगाया गया कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब रहेगा बंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शराब पार्टी के दौरान शख्स की गोली मारकर हत्या, गोली मारते हुए मोबाइल में कैद हुआ आरोपी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिचिफ महिला ने गैंगरेप के बाद जिंदा जलाने की कोशिश, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कोविड टेस्टिंग पर फोकस करने का दिया आदेश, महाराष्ट्र केरल से यूपी आने वालों का होगा कोरोना टेस्ट। उत्तराखंड को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का तोहफा, 5400 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम रावत के घर के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन, रोके जाने से पुलिसकर्मी से भिड़े एनएसयूआई के कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश के झांसी के आनंद नगर बस्ती में अभिनेता सोनू सूद ने लगवाए 2 हैंडपंप, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोनू सूद से मदद की थी अपील। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चोरी के केस में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, एक दरोगा और एक पुलिसकर्मी घायल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीच बचाव करने आए शख्स की गोली मारकर हत्या, चाचा भतीजे के बीच हो रहे झगड़े को छुड़ाने गया था मृतक। उत्तर प्रदेश के आगरा में नकली दूध का कारोबार का खुलासा, पुलिस ने एफएसडीए की टीम ने मारा छापा, सैकड़ों लीटर दूध नकली जब्त किया। मध्य प्रदेश की जनता को मिला 100 रसोई केंद्रों का तोहफा, भोपाल में सीएम शिवराज सिंह ने दीनदयाल रसोई योजना की किया शुरुआत। मध्य प्रदेश में गोडसे समर्थक बाबूलाम चौरसिया की कांग्रेस में शामिल करने पर उठी आवाज, कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कमलनाथ पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के चावल खरीदी को लेकर केंद्र और राज्य में टकराव बरकरार, दिल्ली में सीएम ने की केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अस्पताल में फर्जी ज्वाइनिंग को लेकर काम पर 2 कर्मचारी गिरफ्तार, 4 पुलिस गिरफ्तार, अधीक्षक के निरीक्षण के दौरान हुआ बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश के दौर में जब्त हुए 70 करोड़ के ड्रग्स मामले में नया खुलासा, कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने का दावे के लेकर बेचा गया ड्रग्स। बिहार के गया में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, करीब 815 किलोग्राम वजनी 83 आईईडी को सुरक्षा बलों ने रहते किया डिफ्यूज। बिहार के पटना में पुलिस सप्ताह के समापन पर सीएम नीतीश ने पुलिसकर्मियों को दी सीख, कहा अकेले नहीं पूरी टीम के साथ तस्करों पर कसे शिकंजा। बिहार विधानसभा में गुर्जर डॉक्टरों का कमी का मुद्दा, स्वास्थ्य मंत्री बोले सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की होगी तैयारी। राजस्थान के भिवाड़ी में एक कंपनी में लगी भीषण आग, समय रहते मजदूरों को कंपनी से बाहर निकलना गया, आग से लाखों रुपए का हुआ नुकसान।